देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और एक पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, और पॉइंटर वेरिएबल में आप किस तरीके से उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो एक नॉर्मल वेरिएबल सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। लेट से ये आपका एक नॉर्मल वेरिएबल है इंट ए, आपने लिखा इंट ए। इंट ए लिखते ही क्या होगा कि मेमोरी में एक एलोकेशन होगा, जैसे कि आपको पता है कि इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो यहाँ पर एक 2 बाइट का एलोकेशन होगा मेमोरी में। लेट से ये आपका मेमोरी में 1000 मेमोरी एड्रेस पर हुआ है, और यहाँ पर ये वेरिएबल नेम हो जाएगा आपका ए। इसके बाद फिर आपने लिखा ए इज इक्वल टू, लेट से 10, आपने लिखा ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो वेरिएबल ए है इसकी वैल्यू 10 हो जाएगा। अब अगर हम आपसे यहाँ पर पूछें कि ए क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे कि ए का एड्रेस क्या होगा, एम परसेंट ऑफ ए, यानी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए क्या होगा, तो वेरिएबल ए का एड्रेस हो जाएगा यहाँ पर 1000। अगर हम आपसे पूछें एस्ट्रिक 1000 क्या होगा, तो एस्ट्रिक 1000 का मतलब है कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस इज 10, तो वो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये अगर हम आपसे पूछें एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ ए क्या होगा, तो एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ ए वो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि एम परसेंट ऑफ ए यहाँ पर जो है वो 1000 है। 1000 क्या है, 1000 है इस इंटीजर वेरिएबल ए का एड्रेस। अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेट से हमने डिफाइन किया हुआ है इंट एस्ट्रिक बी। तो देखिए ये भी एक वेरिएबल है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये किसको कंटेन करेगा, ये एक इंटीजर के एड्रेस को कंटेन करेगा। स्टार क्या बता रहा है, स्टार ये बता रहा है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, और देखिए यहाँ पर सिंगल स्टार है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक सिंगल पॉइंटर है, ठीक है ना। सिंगल स्टार है इसका मतलब ये सिंगल पॉइंटर है, और एक इंटीजर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। देखिए इंटीजर के एड्रेस को कंटेन करेगा ये वेरिएबल बी, तो मेमोरी में आपका एक एलोकेशन होगा इस वेरिएबल बी के लिए, वेरिएबल नेम हो जाएगा आपका बी, एंड लेट्स से मेमोरी में ये 2000 मेमोरी एड्रेस पर ये इस वेरिएबल बी के लिए, पॉइंटर वेरिएबल बी के लिए एलोकेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये वेरिएबल भी किसको कंटेन करेगा, एक इंटीजर के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो लेट से हम इसको लिख देते हैं एम परसेंट ऑफ ए, इंटीजर का एड्रेस। एम परसेंट ऑफ ए क्या है, एम परसेंट ऑफ ए है यहाँ पर एक इंटीजर का एड्रेस, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए एम परसेंट ऑफ ए है आपका 1000, तो वेरिएबल बी की वैल्यू हो जाएगी आपका यहाँ पर 1000। अब फिर से अगर हम आपसे पूछें कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगा आपका 1000। अगर हम आपसे पूछें एम परसेंट ऑफ बी क्या होगा, एम परसेंट ऑफ बी हो जाएगा इस बी का एड्रेस, बी का एड्रेस क्या है आपका 2000। अगर हम आपसे पूछें एस्ट्रिक बी क्या होगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एस्ट्रिक बी क्या है, बी है आपका 1000, यानी कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस, कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस, जो कि क्या है आपका 10 है, तो एस्ट्रिक बी की वैल्यू हो जाएगा 10। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चूंकि सिंगल पॉइंटर था, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल एक सिंगल स्टार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये सिंगल पॉइंटर था, तो इसलिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल स्टार की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम आपसे पूछें एम परसेंट 2000 क्या होगा, तो या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ बी, क्योंकि एम परसेंट ऑफ बी क्या है आपका 2000। तो देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप एस्ट्रिक 2000 कैलकुलेट कीजिए। तो एस्ट्रिक 2000 का मतलब है कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस, तो कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस क्या है आपका 1000, तो एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 1000। तो ये देखिए इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आपका हो जाएगा 1000, ठीक है ना, क्योंकि एस्ट्रिक 2000 क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 1000, ठीक है ना। कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस एड्रेस विच इज इक्वल टू 1000। अब देखिए एस्ट्रिक 1000 क्या होगा, कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस, जो कि आपका क्या है 10, तो आपका यहाँ पर फिर ये वैल्यू 10 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डबल पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं। लेट से हमने लिखा हुआ यहाँ पर इंटीजर एस्ट्रिक एस्ट्रिक सी, तो ये आपका क्या होगा, मेमोरी में इस वेरिएबल सी के लिए एलोकेशन होगा, मेमोरी में इस वेरिएबल सी के लिए आपका यहाँ पर एलोकेशन होगा।
एंड लेट्स से ये एलोकेशन आपका मेमोरी में 3000 मेमोरी एड्रेस पर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये वेरिएबल सी किस टाइप का है, ये वेरिएबल सी जो है ये डबल पॉइंटर टाइप का है। डबल पॉइंटर क्यों है, डबल पॉइंटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने डबल स्टार लगाया हुआ है, तो ये डबल स्टार है इसलिए आपका डबल पॉइंटर है। ये क्या कंटेन करेगा, ये एक इंटीजर के एड्रेस के एड्रेस को कंटेन करेगा, ठीक है ना, इंटीजर के एड्रेस के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंटीजर का एड्रेस है 1000 और फिर 1000 का एड्रेस है 2000, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू, लेट से आप यहाँ पर वैल्यू सेंड कर रहे हैं एम परसेंट ऑफ बी। एम परसेंट ऑफ बी क्या है, एम परसेंट ऑफ बी जो है वो एक इंटीजर के एड्रेस का एड्रेस है, ठीक है ना। तो ये आपका एक इंटीजर के एड्रेस का एड्रेस है, इसीलिए आपको आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक डबल पॉइंटर है। अब चूंकि ये आपका डबल पॉइंटर है तो वैल्यू फेच करने के लिए आपको डबल स्टार की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एम परसेंट ऑफ बी क्या, एम परसेंट ऑफ बी आपका 2000, तो वैल्यू आपका यहाँ पर 2000 आपका मेमोरी एड्रेस यहाँ पर आपका असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए सी की वैल्यू आपका हो जाएगा 2000, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछें एस्ट्रिक सी क्या होगा, तो एस्ट्रिक सी हो जाएगा एस्ट्रिक 2000 यानी कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस, और 2000 एड्रेस का कंटेंट क्या है 1000। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चूंकि डबल पॉइंटर था, तो अगर आपने यहाँ पर सिंगल स्टार लगाया है तो सिंगल स्टार लगाने पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि आपको एक एड्रेस मिलेगा। तो वैल्यू अगर आपको चाहिए इस डबल पॉइंटर के केस में तो आपको डबल स्टार लगाना होगा। तो फिर आप यहाँ पर डबल स्टार के केस में चेक कर सकते हैं, स्टार स्टार सी इक्वल हो जाएगा आपका स्टार स्टार 2000। देखिए स्टार 2000 क्या हो जाएगा, कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 1000, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा स्टार 1000। और देखिए स्टार 1000 क्या हो जाएगा, कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 10। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वैल्यू को फेच करने के लिए आपको यहाँ पर डबल स्टार लगाना पड़ा क्योंकि आपका ये डबल पॉइंटर है। और अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछे एम परसेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा, एम परसेंट ऑफ सी हो जाएगा सी का एड्रेस, तो सी का एड्रेस आपका क्या है, सी का एड्रेस है आपका यहाँ पर 3000। और अगर हम आपसे ये पूछे एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ सी क्या होगा, तो एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ सी क्या है 3000, तो एस्ट्रिक 3000। देखिए एम परसेंट ऑफ सी है आपका 3000, तो एस्ट्रिक 3000 यानी कंटेंट एट दिस 3000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना। और अगर हम आपसे ये पूछें यहाँ पर एस्ट्रिक एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ सी क्या होगा, तो देखिए एम परसेंट ऑफ सी हो गया है आपका 2000 और एस्ट्रिक 2000 हो जाएगा कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 1000, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 1000 एड्रेस के, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ सी है आपका 2000 और एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा कंटेंट एट दिस एड्रेस 2000 विच इज इक्वल टू 1000। और अगर हम आपसे ये पूछें एस्ट्रिक 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 एम परसेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ सी है आपका 1000, तो ये इक्वल हो जाएगा एस्ट्रिक 1000 के, और एस्ट्रिक 1000 का मतलब है कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका डबल पॉइंटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डबल पॉइंटर है क्योंकि ये एड्रेस ऑफ एड्रेस को कंटेन कर रहा है, इंटीजर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, तो वैल्यू फेच करने के लिए आपको यहाँ पर ये डबल स्टार की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर एक ट्रिपल पॉइंटर डिफाइन करते हैं। लेट्स से हम डिफाइन कर रहे हैं इंट एस्ट्रिक 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 डी, तो ये आपका क्या है, एक ट्रिपल पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर के एड्रेस के एड्रेस के एड्रेस को कंटेन करेगा, ठीक है ना। ये एक ट्रिपल पॉइंटर है, डी जो है एक ट्रिपल पॉइंटर है जो इंटीजर के एड्रेस के एड्रेस के एड्रेस को कंटेन करेगा, ठीक है ना। एड्रेस ऑफ इंटीजर, तो इस वेरिएबल डी के लिए मेमोरी में लोकेशन होगा, लेट से ये आपका वेरिएबल में मेमोरी में इस वेरिएबल डी के लिए आपने यहाँ पर एलोकेशन किया है, ठीक है ना। डी क्या है, डी आपका एक ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल है, तो मेमोरी में इस ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल डी के लिए एलोकेशन होगा। एंड लेट से आपका ये 4000 मेमोरी एड्रेस पर हो रहा है, एंड लेट से हम इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू एम परसेंट ऑफ सी। तो देखिए एम परसेंट ऑफ सी क्या, एम परसेंट ऑफ सी है आपका 3000, तो यहाँ पर आपको ये 3000 एड्रेस यहाँ पर आपका यहाँ पर असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या, ये आपका एक ट्रिपल पॉइंटर हो जाएगा। अब अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछें कि डी क्या हो जाएगा, तो डी देखिए आपका हो जाएगा 3000,
हम अगर आपसे यहाँ पर ये पूछें एस्ट्रिक डी क्या हो जाएगा, तो एस्ट्रिक डी हो जाएगा आपका एस्ट्रिक 3000, यानी कंटेंट एट दिस 3000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 2000। तो देखिए आपको वैल्यू नहीं मिली है, आपको एक एड्रेस मिला है। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें एस्ट्रिक एस्ट्रिक डी क्या हो जाएगा, तो देखिए एस्ट्रिक डी था आपका 2000 और ये आपका इक्वल हो जाएगा एस्ट्रिक 2000 के, ठीक है ना, क्योंकि एस्ट्रिक डी आपका क्या है 2000 और ये इक्वल हो जाएगा कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 1000। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी भी आपको ये वैल्यू नहीं मिली है, लेकिन अगर आप इसको लिख देते हैं एस्ट्रिक 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 डी, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक डी है आपका 1000, तो इक्वल हो जाएगा एस्ट्रिक 1000 के, यानी कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 10। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिपल स्टार की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये आपका एक ट्रिपल पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर के एड्रेस के एड्रेस के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम आपसे यहाँ पर पूछे एम परसेंट ऑफ डी क्या हो जाएगा, तो एम परसेंट ऑफ डी हो जाएगा एड्रेस ऑफ दिस डी और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4000, ठीक है ना। हम आपसे पूछे एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ डी क्या होगा, तो एस्ट्रिक एम परसेंट ऑफ डी हो जाएगा आपका एस्ट्रिक 4000 विच इज इक्वल टू 3000। हम आपसे पूछे एस्ट्रिक 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 एम परसेंट ऑफ डी क्या होगा, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर ये आपको ये 10 वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ट्रिपल पॉइंटर है, ट्रिपल पॉइंटर आपके एक इंटीजर के एड्रेस को कंटेन करेगा और वैल्यू फेच करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिपल स्टार की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये आपका ये एक ट्रिपल पॉइंटर है। अब देखिए ये आपका एक इंटीजर वेरिएबल था और इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है, तो यहाँ पर मेमोरी में आपका 2 बाइट का एलोकेशन हुआ था। लेकिन क्या आप मुझे यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इस पॉइंटर वेरिएबल बी, पॉइंटर वेरिएबल सी और पॉइंटर वेरिएबल डी के लिए कितने बाइट्स का मेमोरी में एलोकेशन होगा, ठीक है ना। देखिए वेरिएबल ए जो था आपका एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, तो इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है, तो इसलिए मेमोरी में आपका 2 बाइट का एलोकेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर बी आपका एक सिंगल पॉइंटर है, सी आपका एक डबल पॉइंटर है और डी आपका एक ट्रिपल पॉइंटर है, तो इसके लिए मेमोरी में कितने बाइट्स का एलोकेशन होगा। तो देखिए ये आपका डिपेंड करेगा कि आप सीपीयू कौन सा यूज कर रहे हैं। लेट से अगर आप 16 बिट का सीपीयू यूज कर रहे हैं, अगर आप 16 बिट का सीपीयू यूज कर रहे हैं, देखिए एड्रेस आपका कौन जनरेट करता है, तो एड्रेस आपका सीपीयू जनरेट करता है, ठीक है ना। जो एड्रेस होते हैं वो आपका एक सीपीयू जनरेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो वेरिएबल ए था, ये वेरिएबल ए किसको रख रहा था, एक इंटीजर वैल्यू को रख रहा था। वेरिएबल ए एक इंटीजर वैल्यू को रख रहा था और इंटीजर वैल्यू आपका 2 बाइट का होता है, इसलिए यहाँ पर ये 2 बाइट का एलोकेशन हुआ था। लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल क्या रखता है, पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को कंटेन करता है। देखिए यहाँ पर भी एक एड्रेस है, यहाँ पर भी ये एड्रेस है, तो यहाँ पर उतने बाइट का एलोकेशन होगा जितने बाइट में आपका ये एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितना इस एड्रेस का साइज होगा, जितना इस एड्रेस का साइज होगा उतने बाइट्स का आपका यहाँ पर एलोकेशन होगा। तो अब एड्रेस कौन जनरेट करता है, एड्रेस आपका सीपीयू जनरेट करता है। तो लेट से अगर आपका सीपीयू जो है वो 16 बिट का है, तो सीपीयू जितने भी एड्रेस जनरेट करेगा वो 16 16 बिट के होंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा वो सभी 2 2 बाइट के होंगे। तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस बी के लिए 2 बाइट का एलोकेशन होगा, इस सी के लिए भी 2 बाइट का एलोकेशन होगा और इस डी के लिए भी 2 बाइट का एलोकेशन होगा, क्योंकि ये बी और सी और डी जो है ये तीनों ही एक एड्रेस को कंटेन कर रहे हैं। अब चूंकि सीपीयू आपका 16 बिट का है, तो इसलिए जितने भी एड्रेस होंगे वो सभी 2 2 बाइट्स के होंगे। लेकिन लेट से आपका जो सीपीयू है वो अगर आपका 32 बिट का है, तो फिर जो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा वो आपका 32 बिट के होंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो सारे एड्रेस आपके 4 4 बाइट के होंगे। तो उस केस में फिर ये बी का एलोकेशन भी आपका 4 बाइट का होगा, सी का एलोकेशन भी 4 बाइट का होगा और डी का एलोकेशन भी उस केस में फिर आपका ये 4 बाइट का होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, ठीक है ना। ये सी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आएगा तो यहाँ पर आपका क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए इसको कैलकुलेट इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, तो ये देखिए आपका ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए इस वाली लाइन में आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, तो आपका एक वेरिएबल सी डिफाइन होगा, तो ये वेरिएबल आपका सी डिफाइन वेरिएबल सी आपका मेमोरी में लोकेट होगा, और जो कि वेरिएबल सी किस टाइप का है, एक इंटीजर टाइप का है। एंड लेट से मेमोरी में ये 1000 मेमोरी एड्रेस पर ये वेरिएबल सी आपका एलोकेट हुआ है जो कि एक इंटीजर टाइप का है। फिर देखिए आपने लिखा हुआ है यहाँ पर एस्ट्रिक बी, इसका मतलब मेमोरी में आपका एक वेरिएबल बी
के लिए मेमोरी में लोकेशन होगा, लेट से आपका ये 2000 मेमोरी एड्रेस पर आपका वेरिएबल बी के लिए एलोकेशन हुआ है, और ये जो वेरिएबल बी है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है क्योंकि ये इंटीजर के एड्रेस को कंटेन करेगा। फिर देखिए आपने लिखा हुआ है यहाँ पर इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक सी, तो आपका इस वेरिएबल ए के लिए मेमोरी में एलोकेशन होगा, एंड लेट से मेमोरी में ये 3000 एड्रेस पर ये एलोकेशन हो रहा है, तो ठीक है ना। और ये वेरिएबल ए किस टाइप का है, ये वेरिएबल एक पॉइंटेड वेरिएबल टाइप का है क्योंकि ये एक इंटीजर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये आपका ये डबल पॉइंटर है। तो जब आपका ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये आपके ये तीन वेरिएबल मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे, जहां पर कि सी एक नॉर्मल वेरिएबल है, बी एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ए आपका एक डबल पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद में फिर आप ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब आपका ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो आपने लिखा सी इज इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू आपका यहाँ पर 4 हो जाएगी। आपने यहाँ पर लिखा बी इज इक्वल टू m% of c आपका हो जाएगा 1000, तो b की वैल्यू आपका यहां पर हो जाएगी 1000। फिर आपने लिखा हुआ यहां पर a इज इक्वल टू m% of b, तो a की वैल्यू आपकी यहां पर हो जाएगी 2000, ठीक है ना। तो ये आप ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका ये वैल्यू यहां पर आप इनको असाइन हो जाएंगी। उसके बाद में फिर आपका ये प्रिंट ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन में आएगा, और देखिए प्रिंट ऑफ फंक्शन क्या कर रहा है, इस वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, और यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने इस फंक्शन एफ को कॉल कर दिया। तो जैसे ही इसने ये आपका ये फंक्शन को कॉल करेगा तो आपका कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा आपका इस फंक्शन पी एफ में, ठीक है ना। इस प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट ने आपका ये फंक्शन एफ को कॉल कर दिया है, तो आपका कंट्रोल चला जाएगा इस फंक्शन एफ में। देखिए आपने यहाँ पर पैरामीटर क्या पास किए, आपने यहाँ पर सी को पास किया है, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 4, यानी आपका यहाँ पर 4 पास हो जाएगा। आपने यहाँ पर बी को पास किया है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1000, यानी यहाँ पर ये 1000 पैरामीटर पास होगा। इस ए पैरामीटर को देखिए, आपने यहाँ पर ए को पास किया है, तो ए की वैल्यू क्या है 2000, तो आपका यहाँ पर ये 2000 वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगी। तो ये 4000 और 2000 वैल्यू आप इस फंक्शन में पास कर रहे हैं, और ये तीनों ही वैल्यू आपका यहाँ पर रिसीव होगी। तो देखिए इस यहाँ पर रिसीव होगा 4, यहाँ पर रिसीव होगा आपका 1000, और यहाँ पर आपका रिसीव हो जाएगा आपका 2000, ठीक है ना। और आपका ये वाला जो फंक्शन है, ये int f, ये f वाला जो फंक्शन है, ये आपका एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा हुआ है int x, क्योंकि आपको जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो नॉर्मली एक इंटीजर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपने int x, क्योंकि ये जो वैल्यू आप जो रिसीव कर रहे हैं ये एक इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पर चूंकि आपको एक इंटीजर का एड्रेस मिल रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर ये सिंगल पॉइंटर लिया हुआ है, क्योंकि आपको ये इंटीजर के सिंगल, क्योंकि आपको ये जो 1000 एड्रेस है ये एक इंटीजर का एड्रेस है, तो उसको होल्ड करने के लिए आपने यहाँ पर ये सिंगल पॉइंटर लिया हुआ है। ये 2000 क्या है, ये 2000 जो है ये इंटीजर के एड्रेस का एड्रेस है, इसलिए इसको होल्ड करने के लिए आपने यहाँ पर डबल पॉइंटर लिया हुआ है, क्योंकि डबल पॉइंटर क्या करेगा, इंटीजर के एड्रेस को होल्ड करेगा, और ठीक है ना, क्योंकि 2000 क्या है, 2000 आपका इंटीजर का एड्रेस ऑफ एड्रेस है, ठीक है ना। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका एड्रेस है, और ये वैल्यू एड्रेस ऑफ एड्रेस है। तो ये वैल्यू चूंकि आपका एक एड्रेस है, इसलिए आपने यहाँ पर सिंगल पॉइंटर लिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू आप रिसीव करेंगे वो आपका एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये आपको ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये आपका केवल एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए आपने यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका ये बता रहा है कि जो वैल्यू आप रिसीव कर रहे हैं वो एक एड्रेस है, इंटीजर का एड्रेस है, इसलिए आपने इंटीजर पॉइंटर को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर आपने डबल पॉइंटर डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वो आपका एड्रेस ऑफ एड्रेस है, एक इंटीजर के एड्रेस का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ एड्रेस है, इसलिए आपको यहाँ पर ये डबल पॉइंटर ले रहा होगा। तो लेट से आपका ये वेरिएबल एक्स के लिए मेमोरी में लोकेशन हो रहा है, एंड वैल्यू मेमोरी में लेट से आपका ये 4000 पर ये लोकेशन हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है आपका, इसकी वैल्यू है आपका यहाँ पर 4। फिर देखिए आपका ये पी वाई वेरिएबल है, जो कि आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसके लिए मेमोरी में लोकेशन होगा, एंड लेट से आपका मेमोरी में ये 5000 मेमोरी एड्रेस पर ये इसका लोकेशन हो रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपका 1000। फिर देखिए आपने लिखा हुआ है पी पी जेड, तो आपका मेमोरी में इस पी पी जेड के लिए एलोकेशन होगा, तो ये आपका पी पी जेड वेरिएबल है, मेमोरी में पी पी जेड के लिए एलोकेशन होगा, एंड लेट से आपका ये पी पी जेड जो है ये 6000 मेमोरी एड्रेस पर इसके लिए एलोकेशन हो रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपका 2000, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने ये वैल्यू रिसीव होंगे तो आपका ये मेमोरी में एलोकेशन होंगे, तो यहाँ पर एक्स के लिए एलोकेशन होगा मेमोरी एड्रेस 4000 पर, और वैल्यू आपका चूंकि यहाँ पर 4 आपका रिसीव हुआ है, ठीक है ना, ये वैल्यू 4 आपको यहाँ पर रिसीव हुई है, तो इसलिए आपका ये वैल्यू 4 हो जाएगा।
और यहाँ पर इस पी वाई वेरिएबल के लिए मेमोरी में लोकेशन होगा, लेट से 5000 मेमोरी एड्रेस पर इस पी वाई वेरिएबल के लिए लोकेशन हुआ है और यहाँ पर आपको 1000 वैल्यू रिसीव हुई है, तो आपका इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगा। उसी तरीके से ये पी पी जेड वेरिएबल जो है इसके लिए लेट से मेमोरी में 6000 मेमोरी एड्रेस पर लोकेशन हुआ है और ये आपको चूंकि यहाँ पर ये 2000 वैल्यू रिसीव हुई है तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका 2000। फिर देखिए इसको आगे एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर आपने लिखा हुआ है वाई और जेड इंट वाई जेड, तो देखिए आपका यहाँ पर वाई के लिए भी एलोकेशन होगा, वेरिएबल वाई के लिए भी एलोकेशन होगा और वेरिएबल जेड के लिए भी आपका यहाँ पर एलोकेशन होगा, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल वाई के लिए आपका एलोकेशन है, वेरिएबल जेड के लिए एलोकेशन है। वाई के लिए लेट से मेमोरी एड्रेस 7000 पर एलोकेशन हो रहा है और वेरिएबल जेड के लिए मेमोरी एड्रेस 8000 पर आपका यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा। आप यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हैं कि ये जो वेरिएबल सी बी और ए है, वेरिएबल सी बी और ए है, ये तीनों ही वेरिएबल लोकल है विद रिस्पेक्ट टू दिस मेन फंक्शन, ठीक है ना। और उसी तरीके से ये एक्स पी वाई पी पी जेड वाई एंड जेड ये वेरिएबल्स लोकल हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन एफ। तो ये तीन वेरिएबल जो आप देख रहे हैं ये लोकल हैं, इनका स्कोप लोकल होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन मेन। एंड ये जो फाइव वेरिएबल जो आप देख रहे हैं एक्स पी वाई पी पी जेड वाई एंड जेड, ये फाइव वेरिएबल्स लोकल होंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन एफ। अब देखिए ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं, यहां पर आपने लिखा हुआ है एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड प्लस इज इक्वल टू 1, तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि देखिए अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं a प्लस इज इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है ना। या अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ है a एस्ट्रिक इज इक्वल टू b, तो उसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू a एस्ट्रिक बी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ है ए माइनस इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो वही सेम सिंटेक्स हमने यहां पर यूज किया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए हम लिख सकते हैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड इज इक्वल टू एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड प्लस 1। एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड प्लस इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूँ एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड इज इक्वल टू एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड प्लस 1, एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड इज इक्वल टू एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड प्लस 1, ठीक है ना। यानी ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो वही सेम सिंटेक्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी पी जेड क्या हो जाएगा, देखिए पी पी जेड क्या है, पी पी जेड है आपका 2000, पी पी जेड है आपका 2000, तो देखिए ये आपका हो जाएगा एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2000 इज इक्वल टू एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2000 प्लस 1। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, एस्ट्रिक 2000 क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक 2000 हो जाएगा कंटेंट एट 2000 एड्रेस, तो देखिए कंटेंट एट 2000 एड्रेस आपका हो जाएगा 1000, तो देखिए एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा, देखिए एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 1000, तो देखिए एस्ट्रिक 2000 आपका हो गया 1000, क्योंकि एस्ट्रिक 2000 का मतलब है कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस और 2000 एड्रेस का कंटेंट है आपका 1000, तो एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 1000। अब देखिए एस्ट्रिक 1000 क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक 1000 हो जाएगा कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस, एस्ट्रिक 1000 का मतलब हो जाएगा कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस और 1000 एड्रेस पर कंटेंट क्या है आपका 4। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 4, तो ये आपका हो गया 4 और देखिए ये है आपका प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 आपका हो जाएगा 5, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 5 हो जाएगी। और ये वैल्यू आपको कहाँ असाइन करनी है, ये वैल्यू आपको असाइन करनी है देखिए यहाँ पर। अब देखिए उसी तरीके से फिर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं एस्ट्रिक 2000, तो एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 2000, देखिए एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 1000, ठीक है ना, एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा 1000, तो देखिए ये आपका हो गया 1000। और देखिए एस्ट्रिक 1000 क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक 1000 आपका हो जाएगा 4। अब देखिए एस्ट्रिक 1000 क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक 1000 हो जाएगा आपका ये वाली लोकेशन, यानी इस वाली लोकेशन पर आपको ये वैल्यू 4 से 5 करनी है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं एस्ट्रिक 2000, अब देखिए एस्ट्रिक 2000 कौन सी लोकेशन होगी, सबसे पहले तो देखिए 2000 कौन सी लोकेशन है, 2000 आपका देखिए ये वाली लोकेशन है, एस्ट्रिक 2000 कौन सी लोकेशन होगी, तो देखिए एस्ट्रिक 2000 आपका हो जाएगा, एस्ट्रिक 2000 हो जाएगा आपका 1000, यानी 1000 वाली लोकेशन हो जाएगी। अब देखिए एस्ट्रिक 1000 का मतलब क्या, एस्ट्रिक 1000 का मतलब है इस वाली लोकेशन पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू 4 से 5 करनी है 1000 लोकेशन पर, यानी 1000 लोकेशन पर आपको ये वैल्यू 4 से 5 करना है। तो देखिए ये वैल्यू आपका 4 से अपडेट होकर के 5 हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपका देखिए 4 से अपडेट होकर के 5 हो गई है, तो ये वैल्यू आपका 4 से अपडेट होकर के
5 हो जाएगी। जेड इज इक्वल टू एस्ट्रिक एस्ट्रिक पीपीजेड क्या है, पीपीजेड है आपका 2000, पीपीजेड है आपका 2000, देखिए एस्ट्रिक 2000, एस्ट्रिक 2000 हो जाएगा कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस, तो 2000 एड्रेस का कंटेंट क्या है आपका 1000, यानी आप इसको लिख सकते हैं एस्ट्रिक 1000। अब देखिए कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस आपका क्या है 5, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए ये जेड की जो वैल्यू है ये आपका 5 हो जाएगा। तो जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आपका जेड की वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि जेड इक्वल है एस्ट्रिक एस्ट्रिक पीपीजेड यानी एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2000। तो एस्ट्रिक 2000 आपका यानी कंटेंट एट दिस 2000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 1000 एंड एस्ट्रिक 1000 इज इक्वल टू कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर आपने इसको मैं लिख सकता हूँ एस्ट्रिक पी वाई इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी वाई प्लस 2, ठीक है ना, एस्ट्रिक पी वाई प्लस इज इक्वल टू 2 को मैं लिख सकता हूँ, एस्ट्रिक पी वाई इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी वाई प्लस 2। अब देखिए पी वाई क्या है, पी वाई जो है वो है मेरा 1000, पी वाई है मेरा 1000, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस्ट्रिक 1000 प्लस 2 इज इक्वल टू एस्ट्रिक 1000। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो एस्ट्रिक 1000 का मतलब है कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस, और 1000 एड्रेस का कंटेंट क्या है, 1000 एड्रेस का कंटेंट है 5, यानी ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका एस्ट्रिक 1000 इज इक्वल टू 7, यानी ये 7 आपको कहां पर करना है, ये 7 आपको 1000 मेमोरी एड्रेस पर करना है। ये देखिए ये एल वैल्यू होती है, ये आपका एल वैल्यू होती है और ये आपका आर वैल्यू होती है। तो देखिए आपको ये अपडेशन कहां पर करना है, ये अपडेशन आपको करना है इस 1000 मेमोरी एड्रेस पर। तो एस्ट्रिक 1000 इज इक्वल टू 7 का मतलब है आपको इस 1000 मेमोरी एड्रेस पर ये वैल्यू को 7 करना है, ठीक है ना। अब आपको ये 1000 मेमोरी एड्रेस पर आपको ये वैल्यू को 7 करना है, तो ये 1000 मेमोरी एड्रेस पर ये वैल्यू 5 से अपडेट होकर के 7 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 5 से अपडेट होकर के अब आपका 7 हो जाएगी, ठीक है ना। पहले 4 था, 4 से अपडेट होकर के 5 हुआ, और अब 5 से अपडेट होकर के ये वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए आपका ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एम परसेंट ऑफ पी वाई, यानी ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ वाई इज इक्वल टू एम परसेंट पी वाई, पी वाई क्या है, पी वाई है आपका 1000, ठीक है ना। देखिए पी वाई क्या है, पी वाई आपका 1000। अब देखिए एस्ट्रिक 1000 क्या है, एस्ट्रिक 1000 यानी कंटेंट एट दिस 1000 एड्रेस विच इज इक्वल टू 7, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू जो है आपका 7 हो जाएगा जब आपका ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है एक्स प्लस इज इक्वल टू 3, यानी इक्वल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू देखिए अभी क्या है, एक्स की वैल्यू है आपका 4, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। तो ये जो एक्स की वैल्यू जो 4 थी, ये वैल्यू 4 से अपडेट होकर के आपका 7 हो जाएगी। उसके बाद में आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स की वैल्यू है 7, यानी ये वैल्यू है 7, वाई वाई की वैल्यू क्या है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं वाई की वैल्यू है 7, तो वाई की वैल्यू भी है 7, जेड जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है आपका 5, तो ये आपको हो जाएगा 7 प्लस 7 प्लस 5, रिटर्न होकर के आपका वहाँ पर जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था, यानी कंट्रोल रिटर्न होकर के आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये आपका ये यहाँ से कॉल हुआ था। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन ने क्या रिटर्न कराया है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर ये 19 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा, तो आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है यहाँ पर 19 आ जाएगा। उसके बाद में आपका ये मेन फंक्शन जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कॉल बाय कॉपी रिस्टोर, कॉल बाय कॉपी रिस्टोर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको कॉपी रिस्टोर क्यों बोला जाता है, इसको कॉपी रिस्टोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए ये आपका हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर, और ये आपके हो जाएंगे फॉर्मल पैरामीटर। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पर कॉपी होगी, ठीक है ना, इन एक्चुअल पैरामीटर से ये फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होगी, एंड देन आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर आपका यहाँ पर ये रिस्टोर होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ये कॉपी होगी, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर्स में आपका कॉपी होगी, एंड ये स्वैप फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद में फिर आपका ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स से इस एक्चुअल पैरामीटर्स को हम रिस्टोर करेंगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉपी रिस्टोर। तो देखिए किस तरीके से ये होगा, इसको इस एग्जांपल से हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन में आएगा, ये मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है,
फिर देखिए आपका ये वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के लिए आपका एलोकेशन होगा। तो लेट से आपका ये वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के लिए आपने यहाँ पर एलोकेशन किया है, लेट से 1000 एंड 2000 मेमोरी लोकेशन पर हुआ है। ए की वैल्यू हो जाएगा 10 और बी की वैल्यू हो जाएगा आपका 20। फिर देखिए आपने यहाँ पर प्रिंट कराया है परसेंट डी ए कोमा बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो आपका यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, आपका यहाँ पर 10 और 20 आउटपुट में आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट में आपका यहाँ पर अभी प्रिंट हो जाएगा 10 और 20, तो 10 20 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद में आपने इस स्वैप फंक्शन को कॉल कर दिया है, तो आपका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल चला जाएगा इस स्वैप फंक्शन में, और आपका ये स्वैप फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो है इस स्वैप फंक्शन में आपने यहाँ पर ये दो पैरामीटर ए और बी को पास किया है, और इन पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, इन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो ये क्या है, ये आपके हैं एक्चुअल पैरामीटर, तो ये आपके एक्चुअल पैरामीटर है, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स हो जाएंगे और ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे। यहाँ पर कि आपने पास क्या किया है, पास आपने किया है यहाँ पर ए और बी को, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपका यहाँ पर 10 और बी की वैल्यू है आपका यहाँ पर 20, ठीक है ना। तो कॉपी रजिस्टर में क्या होता है, सबसे पहले आप इसको एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर ये कॉपी होगी, तो देखिए ये जो 10 वैल्यू है ये 10 वैल्यू आपका कॉपी होगी यहाँ पर, और ये जो 20 वैल्यू है ये 20 वैल्यू आपका कॉपी होगी आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इसको कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी रजिस्टर में सबसे पहले आप ये कॉपी करेंगे, आपने ये कॉपी कर लिया। अब देखिए आपके ये फिर से दो वेरिएबल हैं सी और डी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल सी के लिए एलोकेशन होगा और वेरिएबल डी के लिए आपका एलोकेशन होगा। लेट से वेरिएबल सी के लिए जो एलोकेशन है वो आपका 3000 मेमोरी एड्रेस पर हुआ है, और वेरिएबल डी के लिए एलोकेशन आपका 4000 एड्रेस पर हुआ है। और देखिए आपने कॉपी किसको किया है, यहाँ पर आपने 10 वैल्यू को कॉपी किया है और यहाँ पर आपने 20 वैल्यू को कॉपी किया है, तो आपका यहाँ पर 10 वैल्यू आ जाएगा और आपका यहाँ पर 20 वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल टी के लिए लोकेशन होगा, लेट से ये मेमोरी एड्रेस 5000 पर हो रहा है। फिर आपने लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू सी, यानी टी इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या है 10, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी आपका 10। फिर उसके बाद में आपने लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू डी, तो सी इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू क्या है 20, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर आपने लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू टी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू अपडेट होकर के 10 हो जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सी और डी की जो वैल्यू थी, जो पहले की 10 और 20 थी, वो अपडेट होकर के 2010 हो जाएगा, एंड देन आपका ये स्वैप फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब कंप्लीट हो गया है तो आपका कंट्रोल रिटर्न होकर के वहां पर जाएगा जहां से कि आपका ये कॉल हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका कॉल कहां से हुआ था, ये कॉल हुआ था आपका यहां यहां से, मेन फंक्शन से आपका कॉल हुआ था, तो कंट्रोल रिटर्न होकर के आपका यहां पर इस मेन फंक्शन में आएगा। अब देखिए आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ये पैरामीटर्स की वैल्यू जो 10 20 थी वो अपडेट होकर के अब 2010 हो गई है। तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अब यहां पर रिस्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी रिस्टोर में क्या होता है कि सबसे पहले एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में आप वैल्यू कॉपी करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में आप वैल्यूज कॉपी करेंगे, एंड देन वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूशन में, फंक्शन आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, और उस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट करने के बाद आप उन पैरामीटर्स को उन फॉर्मल पैरामीटर्स से एक्चुअल पैरामीटर्स में रिस्टोर करेंगे। तो देखिए अब आप यहाँ पर रिस्टोर करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सी और डी की वैल्यू आपका चेंज हो चुकी है, सी की वैल्यू है अब यहाँ पर 20 और डी की वैल्यू है आपका 10, ये 20 हो गया है, ये 10 हो गया है, तो इन वैल्यूज को अब आप यहाँ पर रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करेंगे तो ये वैल्यू आपका 20 हो जाएगी और ये वैल्यू आपका अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 20 हो जाएगी और ये वैल्यू आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको फिर से एक बार देखते हैं कि लेट से आपका स्वैप फंक्शन है, ये मेन का स्वैप है, ठीक है ना, ये मेन वाले फंक्शन का स्वैप हम लिख रहे हैं। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर, तो ये है आपके एक्चुअल पैरामीटर, और ये जो स्वैप है ये आपका है लेट से फंक्शन वाला हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सी और डी ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉपी किया,
तो देखिए कॉपी किया तो ये वैल्यू 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू 20 यहाँ पर आ जाएगा। फिर स्वैप फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट कराया, स्वैप फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद में ये वैल्यू आपका 20 हो गई और ये वैल्यू आपका 10 हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रिस्टोर करा रहे हैं। तो देखिए ये 20 वैल्यू रिस्टोर 20, फिर हम इसको यहाँ पर रिस्टोर करा रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉपी किया था, अब हम इसको रिस्टोर करा रहे हैं। तो जब इसको रिस्टोर कराएंगे तो ये वैल्यू 10 से अपडेट होकर 20 हो जाएगी, और इसको जब हम रिस्टोर करेंगे तो ये वैल्यू 20 से अपडेट होकर के 10 हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉपी किया, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर से कॉपी किया, एंड देन फॉर्मल पैरामीटर से हम उस एक्चुअल पैरामीटर को रिस्टोर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉपी रिस्टोर। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, इन दिस कॉपी रिस्टोर पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स वॉट एवर मॉडिफिकेशन इज हैपनिंग इन फॉर्मल पैरामीटर, वॉट एवर मॉडिफिकेशन इज हैपनिंग इन फॉर्मल पैरामीटर दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू एक्चुअल पैरामीटर, और यू कैन से दैट विल बी रिस्टोर टू एक्चुअल पैरामीटर। सो फॉर्मल पैरामीटर्स रिस्टोर बैक टू एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स रिस्टोर बैक टू एक्चुअल पैरामीटर्स। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बी की वैल्यू 10 हो जाएगा। तो देखिए ए की वैल्यू चूंकि 20 है और बी की वैल्यू 10 है, तो आपका ये 20 10 जो है अब यहाँ पर आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी आपका ये प्रिंटअप वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से आपका ये स्वैप फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंट्रोल रिटर्न होकर के मेन में आया, मेन में फिर आप इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए ए और बी की वैल्यू आपका चूंकि रिस्टोर होकर के 20 10 हो चुकी है, अब आपका आउटपुट में यहाँ पर 20 10 प्रिंट होगा, एंड देन आपका ये मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका 10 20 प्रिंट होगा और यहाँ पर आपका 20 10 प्रिंट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर वैल्यूज जो है ये रिस्टोर हो जाएंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रिस्टोर, ठीक है ना। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और ये आपका थर्ड है कॉल बाय कॉपी रिस्टोर, जिसमें सबसे पहले आप कॉपी करेंगे एंड देन उस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद में आप इसको रिस्टोर करेंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉपी रिस्टोर। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा 10 20 20 10, ठीक है ना। तो ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं 10 20 20 10, ये आपका आया है इस कॉल बाय कॉपी रिस्टोर मेथड में। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, और आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आप यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करें तो कॉल बाय वैल्यू के केस में आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो पैरामीटर पासिंग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कॉल बाय वैल्यू किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपका ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन में आएगा, आपने लिखा हुआ इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ये एलोकेशन होगा ए के लिए, लेट से 1000 मेमोरी एड्रेस पर हुआ है, वैल्यू है इसका 5। फिर आपका आपने इस टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या किया है, कॉल बाय वैल्यू यानी वैल्यूज आप यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो देखिए ये वैल्यू सिंपली वैल्यूज आपने पास किया है, एक्चुअल पैरामीटर है आपका ए कॉमा ए, तो देखिए ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 5 आपका यहाँ पर पास हो जाएगा और कंट्रोल चला जाएगा आपका इस टेस्ट फंक्शन में। अब देखिए ये वैल्यू आपका 5 यहाँ पर रिसीव होगी, यहाँ पर भी आपका ये वैल्यू 5 रिसीव होगी, और चूंकि ये 5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर हमने इसको इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। अब जैसे ही आपका ये टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन में आएगा, आपका इस सी के लिए और इस डी के लिए एलोकेशन होंगे, लेट से आपका ये जो एलोकेशन है ये 2000 एंड 3000 मेमोरी एड्रेस पर हुआ है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 5 हो जाएगी और डी की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है सी प्लस इज इक्वल टू डी मल्टीप्लीकेशन 2। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन 2, ठीक है ना। सी प्लस इज इक्वल टू डी मल्टीप्लीकेशन 2 को मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू 2। अब इसको देखते हैं, तो देखिए ये क्या है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है इस समय पर 5, प्लस डी की वैल्यू क्या है 5 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू आपका हो जाएगा 15। तो ये सी की वैल्यू 5 से अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, ये वैल्यू सी की वैल्यू 5 से अपडेट होकर के 15 हो जाएगा। फिर देखिए इस लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डी एस्ट्रिक इज इक्वल टू सी माइनस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू डी एस्ट्रिक सी माइनस 3। तो देखिए डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 5 मल्टीप्लीकेशन सी की वैल्यू है 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12, और 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 16। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आपका हो जाएगा 60। तो देखिए ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डी की वैल्यू 5 से 60 हो जाएगी। उसके बाद में आपका ये जो फंक्शन है ये टेस्ट फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा मेन फंक्शन में,
और आपका ये मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। आप देखिए मेन फंक्शन में एक ही वैल्यू क्या है, मेन फंक्शन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेन फंक्शन में एक ही वैल्यू 5, आपका आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आपका आउटपुट में यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा और ये आपका एग्जीक्यूशन आपका मेन का यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में आपका यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। टी एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सी एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो देखिए उसी तरीके से मैं इसको और इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ। और जैसा कि देख पा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू में आपका आउटपुट यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि आपने सिंपली वैल्यूज़ को यहाँ पर पास किया है। तो आपका ये जो फंक्शन टेस्ट फंक्शन है, इसका कोई भी जो आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो आपका यहाँ पर इस मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में सिंपली आप वैल्यूज़ पास करते हैं। तो अगर टेस्ट फंक्शन में जो भी आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है वो मॉडिफिकेशन आपका इस मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉपी रिस्टोर को देखते हैं। तो कॉपी रिस्टोर में क्या होगा, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये आपका सबसे पहले ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वेरिएबल ए लेट से आपका 1000 मेमोरी लोकेशन पर है, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ पर क्या किया है, कॉपी रिस्टोर में क्या होगा, ये आपने वैल्यू 5 5 पास किया है, इसने मेन फंक्शन टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है, फिर आपका ये एग्जीक्यूशन में टेस्ट आ जाएगा। अब ये वेरिएबल सी और वेरिएबल डी के लिए मेमोरी लोकेशन होगा, लेट से आपका 2000 एंड 3000 मेमोरी एड्रेस पर हो रहा है, ठीक है ना। और ये वैल्यू अपने कॉपी रिस्टोर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कॉल बाई कॉपी रिस्टोर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्चुअल पैरामीटर्स से फॉर्मल पैरामीटर्स में वैल्यूज़ कॉपी होंगी, तो ये 5 वैल्यू आपका यहाँ पर कॉपी होगी और ये वाली 5 वैल्यू आपका यहाँ पर कॉपी होगी। तो ये वैल्यूज़ आपको कॉपी होंगी तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 5, ये वाली वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि हम यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहे हैं कॉल बाई कॉपी रिस्टोर। तो आपका ये वैल्यूज़ जो है कॉपी हम कर रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर्स से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यूज़ को कॉपी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आपका ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू टू विच इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू टू, डी इंटू टू 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 5 इज इक्वल 15, तो सी की वैल्यू अपडेट होकर के हो जाएगा आपका 15। फिर आपका ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये आपका हो जाएगा डी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लीकेशन C-3, C-3 आपका हो जाएगा 15-3 विच इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, यानी डी की वैल्यू आपका हो जाएगा 60, ठीक है ना। उसके बाद में आपका ये जो टेस्ट फंक्शन है ये आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, ये टेस्ट फंक्शन। तो कंट्रोल रिटर्न होकर के आपका वहाँ पर जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर कॉल हुआ था। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पैरामीटर्स की वैल्यू अपडेट होकर के आपका देखिए सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, सी की वैल्यू हो चुकी है 15 और डी की वैल्यू हो चुकी है 60। तो अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर रिस्टोर कराएंगे। देखिए सबसे पहले आपने एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यूज़ को कॉपी किया था, एंड देन आपका ये फंक्शन टेस्ट फंक्शन आपका एग्जीक्यूशन में आएगा और इसको एग्जीक्यूशन होने के बाद में आपको अब इन वैल्यूज को रिस्टोर करना पड़ेगा, यानी आपको ये फॉर्मल पैरामीटर से एक्चुअल पैरामीटर्स में रिस्टोर करना होगा। तो जब आप इसको रिस्टोर करेंगे तो यहां पर ये 15 वैल्यूज रिस्टोर होगी और यहां पर ये 20 वैल्यूज रिस्टोर होगी। अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर वेरिएबल ए की पहले वैल्यू क्या थी, पहले वैल्यू 5 थी, अब आप इसको रिस्टोर करा रहे हैं तो रिस्टोर कराते समय ये क्या हो जाएगा, ये 50 और 60 होगा। तो आप अब आपका यहां पर क्या प्रिंट होगा, आपका यहां पर 15 प्रिंट होगा या 60 प्रिंट होगा, सॉरी यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पर आपका 60 आएगा, क्योंकि देखिए यहां पर आपका 15 था, डी की वैल्यू है 60, सी की वैल्यू 15 है और डी की वैल्यू है 60। तो ये सबसे पहले आपने कॉपी किया था 5 को आपने कॉपी किया था, एंड देन इस 15 और 60 को आप यहाँ पर रिस्टोर करा रहे हैं। तो रिस्टोर कराएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 50 और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 60। अब चूंकि ये जो वेरिएबल ए है इसकी पहले वैल्यू 5 थी, अब इसकी एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू 15 हो सकती है या इसकी वैल्यू 60 होगी। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट जो है ये 15 प्रिंट होगा या 60 प्रिंट होगा, तो हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते हैं, ये आपका कंपाइलर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर केवल इतना बोल सकते हैं कि या तो 15 प्रिंट होगा या 60 प्रिंट होगा। तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आइदर 15 और 60 विल बी प्रिंटेड। तो हम यहाँ पर श्योर नहीं है कि 15 प्रिंट होगा या 60 प्रिंट होगा, क्योंकि कंपाइलर पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं आइदर 15 और 60 विल बी प्रिंटेड। तो आउटपुट में आपका क्या आएगा, आउटपुट में या तो आपका 15 प्रिंट होगा या फिर आपका 60 प्रिंट होगा।
और इस तरीके से फिर आपका ये मेन वाला जो एग्जीक्यूशन है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉल बाई कॉपी रिस्टोर के केस में आपका आउटपुट या तो 15 आएगा या फिर 60 आएगा, तो 15 और 16 में से कोई एक वैल्यू आएगी। हम यहाँ पर श्योर नहीं है कि आपका 15 प्रिंट होगा या 60 प्रिंट होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक बात ये बोल सकते हैं कि या तो 15 प्रिंट होगा या फिर आउटपुट में आपका 60 प्रिंट होगा। जैसे कि इससे पहले आपने देखा था कि अगर आप यहाँ पर कॉल बाई वैल्यू लेते थे तो कॉल बाई वैल्यू में आपका आउटपुट 5 आ रहा था, और कॉल बाई कॉपी रिस्टोर में इस सेम प्रोग्राम का आउटपुट आपका 50 या फिर 60 में से कोई एक होगा।